तो मैं इसे फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी, एज यू क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं गाइस। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज वेणु वर्मा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, बेसिकली ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। मैं दो कॉम्पैक्ट पाउडर का कंपेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों कॉम्पैक्ट पीएसी के हैं, और जो पहला कॉम्पैक्ट मैं बता रही हूँ पीएसी स्टूडियो एचडी पाउडर, एंड दूसरा रहेगा पीएसी स्पॉटलाइट कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैं ये दोनों कॉम्पैक्ट का कंपेयर करने वाली हूँ, जिससे आप इजिली अपने लिए देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्पैक्ट आपको परचेस करना है। और हाँ गाइज, मैं इसे अप्लाई करके भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए कि ये दोनों कॉम्पैक्ट में से कौन सा कॉम्पैक्ट आपको लेना है। सो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ पीएसी स्टूडियो एचडी पाउडर के बारे में, जो कि इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। एंड गाइज, इसकी जो एमआरपी है 745 रुपीज। यहाँ पे जो शेड है वो है बनाना। एंड हाँ, ये जो है बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में दिया हुआ है, उसके बाद ये छोटा सा ऐसा पैकेजिंग भी दिया है, उसके बाद आपका ये कॉम्पैक्ट पाउडर आ जाता है। एंड गाइज, इसमें एक चीज है कि इसमें आपको पाउडर पफ नहीं दिया गया है, और ये इस टाइप की कुछ पैकेजिंग है, और देख सकते हैं आप गाइज यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक वाला, और बहुत ही अच्छा हैंडी और बहुत ही अच्छा इसका पैकेजिंग मुझे लगा। बस इसकी एक ड्रॉबैक है कि हम 745 रुपीज में ये ले रहे हैं, बट इसमें हमको पफ नहीं मिला, जबकि 200-300 कॉम्पैक्ट में भी हमको मेबिलिन का जो लेते हैं या फिर लैक्मे का लेते हैं, तो उसमें हमको पाउडर पफ देता है, बट इसमें नहीं दिया है। सो गाइज, जब हम इसके टेक्सचर की बात करते हैं, तो ये कुछ येलो में है, और ये बनाना शेड है, तो ऑब्वियसली ये येलो होगा, बट एकदम भी ज्यादा येलो येलो नहीं है, और बहुत ही ज्यादा स्मूद है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा एच डी फिनिश में है, और बहुत ही ज्यादा ब्लेंड हो जाता है। एज यू गैस कैन सी, कितना जल्दी ब्लेंड हो गया है ये, मतलब आप देख सकते हैं, ये देखिए। दूसरा कॉम्पैक्ट मैं बताने वाली हूँ पीएसी स्पॉटलाइट कॉम्पैक्ट पाउडर। सो इसकी भी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, एंड इसका जो एमआरपी है 995, एंड ऑब्वियसली मैंने पिंक सेल में लिया था, तो मुझे डिस्काउंट मिला था 10% या 15% का। और जब हम इसे ओपन करेंगे, तो कुछ इस टाइप का इसका पैकेजिंग है, और बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है गाइस। ये जो कॉम्पैक्ट है थोड़ी महंगी है उसकी वो वाले कॉम्पैक्ट पेयर में, और ये देखेंगे व्हेन यू गाइस ओपन इट अप, यहाँ पे आपको मिरर भी दिख जाएगा एज यू गाइस कैन सी, एंड यहाँ पे आपको एक पाउडर पफ भी मिलता है, जो कि है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ। एंड गाइज, इस कॉम्पैक्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं आप, गैप दिया हुआ है, जिससे इजिली एयर पास हो जाता है। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट अगर आपका कभी वेट है या फिर इस टाइप का, तो आप यहाँ पे रख देंगे डायरेक्टली, तो ये यहाँ से ड्राई हो जाएगा। सो ये काफी अच्छी बात लगी। तो अभी हम दोनों पाउडर अप्लाई करके दिखाएंगे, और इसकी जो कवरेज है गाइज बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। सो मैं इसे फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी, एज यू गाइस कैन सी कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ये। अब हम इसे अप्लाई करके देखेंगे, बहुत ही ज्यादा स्वेट स्वेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं फैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको फैन का आवाज ना आए। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ पीएसी का एचडी स्टूडियो पाउडर। सो इसे भी मैं पफ से अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि ये पीएसी का ही पफ है गाइस, बहुत ही स्मूथ है। सो मैं इसी से ही अप्लाई करने वाली हूँ। सो एज यू गाइस कैन सी, सो गाइस आप इधर साइड देख सकते हैं, मैंने हाफ फेस पे स्टूडियो एचडी पाउडर लगा लिया है पूरा। सो मैं इसे नहीं बोलूंगी कि ये फुल कवरेज वाला कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ आपके मेकअप को सेट करने के लिए ही पाउडर बना है, और यह कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना हुआ है। ये आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर देता है, और आपको जैसे कॉम्पैक्ट लगाने से बहुत ज्यादा पैची या फिर इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, जो क्रैक्स या लाइंस दिखने लगते हैं, वो इसमें नहीं दिखेगा गाइस, और आपको कवरेज नहीं देगा, बट ये है कि आपके मेकअप को एकदम सेट कर देगा, एकदम नेचुरल फिनिश में, तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट। सो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मॉइस्चराइजर लगाऊं और ये वाला कॉम्पैक्ट लगा के चले जाऊं, थोड़ा हल्का फुल्का कवरेज आ जाएगा ये ऐसा, तो ऐसा नहीं है गाइज। इसमें आपको फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ेगा या बीबीसीसी क्रीम अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसको सेट करने के लिए आप ये वाला कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब सेटिंग के लिए ये कॉम्पैक्ट बेस्ट है गाइज, क्योंकि इसमें क्रीजेस वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एचडी फिनिश वाला पाउडर है, क्योंकि इसमें लिखा भी है एचडी,
तो हाँ ये एच डी फिनिश वाला पाउडर है, बहुत ही अच्छा पाउडर है, बनाना शेड में है तो हर एक स्किन टोन पे चला जाएगा। सो गाइस मैं अब हाफ फेस पे ये पीएसी स्पॉटलाइट कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करके दिखाने वाली हूँ। सो गाइस ये मैं पीएसी कॉम्पैक्ट स्पॉटलाइट यूज कर रही हूँ। ओ माय गॉड, देखो। सो गाइस आप देख सकते हैं, टैप टैप करके ही यूज करना है तो मैं टैप टैप करके ही यूज कर रही हूँ। सो गाइस इसकी कवरेज आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मीडियम टू हाई हाई वाली आपको कवरेज प्रोवाइड करता है ये। सो गाइस देखिए, इधर साइड देखिए आप नेचुरल लुक आ रहा है और इधर साइड थोड़ा हैवी लुक आ रहा है। एज यू गाइस कैन सी, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, इधर आपका नेचुरल, यहां से मेरा डार्क सर्कल कवर नहीं हुआ, जस्ट सेट हुआ है मेरा जो प्रोडक्ट है, देखो मेरे हैंड पे भी नहीं आ रहा है, जस्ट मेरा जो मेकअप है वो सेट हो गया, मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया था। और इधर साइड पे आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरे को एक्स्ट्रा कवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है और आपके मेकअप को ये सेट भी कर रहा है। सो गाइस आपको जस्ट मेकअप सेट करने के लिए पाउडर लेना है तो आप एचडी स्टूडियो पाउडर ले सकते हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम कवरेज भी चाहिए एंड आपके मेकअप को सेट भी करने वाला पाउडर चाहिए तो आप स्पॉटलाइट कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। और इसको मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद आप इसे बस अप्लाई कर लेंगे तो भी ये हल्का सा ऐसा टिंट आपके फेस पे आ जाएगा, कवरेज आ जाएगा इट मीन्स। और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है गाइस, आप देख सकते हैं दोनों ही कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा है। मैं दोनों इसलिए ही ली हूं क्योंकि अगर मुझे मेकअप सेट करना है, लाइट सा मेकअप मैंने किया है, जस्ट सेट करना है मुझे, तो मैं ये वाला कॉम्पैक्ट यूज करूंगी। और अगर मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए, कॉम्पैक्ट में थोड़ा कवरेज चाहिए, मीडियम टू हाई हाई वाली कवरेज, तो मैं स्पॉटलाइट कॉम्पैक्ट लूंगी। दोनों ही कॉम्पैक्ट अच्छी है बट इससे आप क्रीजिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये आंख बंद करके आप ले सकते हैं अगर आपको क्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है, बट इससे आपको शायद क्रीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज्यादा अप्लाई करें क्योंकि इसमें कवरेज है, इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन ऑब्वियसली मिक्स होगा इसलिए ये कवरेज दे रहा है। सो आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइप से आपकी यूज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉम्पैक्ट लेना है, मैंने दोनों बता दिया है। गाइस आई होप कि आपको ये कंपैरिजन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।